मॉर्निंग टू फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है शिवरात्रि, तो सभी यूट्यूबर को हैप्पी शिवरात्रि। तो जो है आज है फास्ट, तो फटाफट उठे थे, मतलब 4 बजे सोची थी उठने की, बट 4 बजे नहीं उठ पाए। अलार्म तो लगाया था, अलार्म मेरे कानों तक आया ही नहीं, तो इसलिए मैं उठ भी नहीं पाई। तो 6 बज गए थे हमको उठने में, 6 बजे हम उठ गए थे और फटाफट साफ सफाई की, झाड़ू पोछा सब किया, क्लीन किया पूरा घर। उसके बाद अभी नहा के रेडी हो गई हूँ मैं, और रेडी होने के बाद बस अभी पूजा करने जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी सारा घर क्लीन कर दिया है, ये देखो सारा घर पूरा क्लीन हो गया है, पूरा घर क्लीन हो गया। अभी मैंने मंदिर साफ नहीं किया है, मेरे कान्हा जी अभी सो रहे हैं, उनको भी नहीं उठाया है। तो फिर अभी जो है फटाफट मैं कर लेती हूँ पूजा। पहले तो हम मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो मंदिर है मेरे यहाँ, जो मेरी गली में ही मंदिर है, घर के सामने ही मंदिर है शिव जी का, वहाँ जाएंगे। तो आप लोगों को भी लेकर जाएंगे, दिखाएंगे अपना मंदिर। वैसे तो बहुत बार लेकर गई हूँ आप लोगों को, बट आप लोगों को पता नहीं, फाइनली मेरे घर के सामने वाला मंदिर है, तो आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगी। तो फटाफट मैं पहले कर लेती हूँ पूजा, मंदिर भी साफ कर लेती हूँ फिर। और कान्हा जी सो रहे हैं और ये यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, ये भी नहा चुके हैं, इनका तो 10 मिनट कभी हुआ ही नहीं है, बट आज पता नहीं कैसे ये बहुत जल्दी उठ गए। तो अभी मेरे कान्हा जी सो रहे हैं यहाँ पे, तो अभी मैं इनको जगाऊंगी। तो जगाने के बाद फ्रंट में मंदिर साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से जो है मिलती हूँ, और मंदिर भी आप लोगों को लेके चलूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी। थाली जो है रेडी हो गई है और मम्मी भी नहा के आ गई हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सजा ली अपने पूजा की थाली, प्रसाद धूप बत्ती और ये बेर है, फूल है, ये दिया है, बाकी सब कुछ रख लिया है। और अभी हम लोग मंदिर जाएंगे, तो शायद मम्मी एक दो मंदिर और जाएंगी बता रही थी अभी। और अभी मुझे लगाना है आलता, जो कि यहाँ पर कटोरी में रखा हुआ है, क्योंकि हमारे कुछ भी पूजा पाठ होता है ना, मतलब पूजा या कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी ऐसा होता है या
कहीं जाते तो हमारे यहाँ पैरों में आलता लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी क्या है, मतलब लगाना ही है, मतलब एक जो सुहागिन औरतें होती है ना उनके लिए एक ये इसका भी ये जो है, मतलब जो मेकअप करते हैं ना हम लोग उसमें भी ये एक आता है मेकअप में, तो बस वही है। तो अभी मैं लगाऊंगी पहले आलता, फिर उसके बाद जो है हम मंदिर जाते हैं। अभी मम्मी आई नहीं है, मम्मी जो है दूध लेने गई हुए हैं चढ़ाने के लिए शायद, तो बस अभी हम लोग चलते हैं मंदिर आप लोग को भी लेके। वो मम्मी लगा रही है। और ये मम्मी का है, ये मेरा पूजा वाला दुपट्टा जो कि मैं यही ओढ़ के जाऊंगी, यही वाला ओढ़ के जाऊंगी। अभी यहाँ मूंगफली के दाने भून लेती हूँ मैं, और यहाँ है ये मखाने, क्योंकि मम्मी दवाई खाती है तो इसलिए जो है थोड़ा सा मतलब ये खा लेंगी तो थोड़ा सा दवाई भी खा लेंगी। तो अभी मैं मखाने भी भूनूंगी और पहले ये मूंगफली के दाने थोड़े से भून लेती हूँ। और व्रत पापा को छोड़ के बाकी हम तीन लोगों ने रखा है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मम्मी ने, तीनों ने रखा है और पापा ने नहीं रखा है। तो पापा के लिए खाना बनेगा, और मेरी देवरानी यहाँ नहीं है, देवर भी नहीं है, देवर भी देवरानी के पास ही है, तो वो लोग मतलब यहाँ नहीं है, अभी बाहर रह रहे हैं, जहाँ पर आती है वहीं है। तो
अच्छा नहीं लग रहा है, तीन लोग घर में, चार लोग रह गए हम, चार लोग घर में रह गए। और ये मेहंदी पता है मतलब मंदिर में चढ़ाई थी तो मैंने सोचा लगा लेती मेहंदी, पर अभी खाना नहीं बना है। पापा का खाना मतलब बन रहा है, पापा के लिए मैंने बनाया है आलू की सब्जी और अभी रोटी सेकूंगी, और रोटी पापा जब खाएंगे तब सेकूंगी, और मैंने ही मेहंदी लगाई देख लो। तो आज का दिन बहुत बोरिंग होने वाला है सच में यार, आज पूरा दिन खाली रहेंगे, पूरा दिन खाली, कोई काम ही नहीं। मम्मी लगा रही है फॉल साड़ी में अपनी, तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी मम्मी फॉल लगा रही है। हम सब लोग अपनी साड़ी में अपने आप खुद ही फॉल लगाते हैं, और पूरा दिन आज कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। और चलो मम्मी की पापा की रोटी देख लेती हूँ। पराठा सेका है सॉरी, और बनाया आलू की सब्जी, और मेरी मेहंदी देखो कितनी प्यारी रची हुई है, कितनी अच्छी रची है ये, बस है ना थोड़ी देर के लिए लगाओ तो 5-10 मिनट में जो है इसको छुटा दो, बहुत प्यारा कलर आता है। अब मुझे पता नहीं था ये वाली मेहंदी आती है, वरना मैं यही वाली लगाती। और हाँ मैंने ओवन आप लोग को बताया नहीं था कि ओवन मेरे यहाँ आ गया है, और अभी इसका जो है हमने उद्घाटन नहीं किया है। ये ओवन जो है नेहा को गिफ्ट में मिला था, उनकी दीदी ने दिया था, तो अभी हमने इसको फ्रिज के ऊपर रखा है, इसकी कोई जगह नहीं बन रही थी, पहले हमने सोचा वहाँ रखेंगे, तो वहाँ रखा तो मतलब पूरा भरा भरा लग रहा था। मिक्सी भी वहाँ पे रखी जाती है, तो मिक्सी ठीक होने के लिए, तो मिक्सी भी हमने ऑर्डर कर दी है अभी, शायद फ्लिपकार्ट से, साइड अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाई है इन्होंने, मुझे पता नहीं इन्होंने ऑर्डर किया है, तो वो भी हमने मंगा ली है। और ओवन का कोई जगह नहीं था तो हमने अभी फ्रिज के ऊपर रख दी है अभी ये ओवन, तो अभी पता नहीं कब इसका उद्घाटन करेंगे हम लोग, पता नहीं कुछ नेहा आएगी तब बनाएंगे कुछ, या पहले भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी पराठे पापा के लिए बनाए हैं, ये पराठे यहाँ पे सेक दिए हैं, सब्जी रखी हुई पापा के लिए आलू की। तो अभी हम जो है फटाफट खाना ना बनी गया, अब किचन गैस वगैरह साफ कर लेते हैं, और मम्मी नेहा से बातें कर रही हैं अभी, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, और शाम को ही मिलेंगे यार, शाम को जब कुछ बनाएंगे ना फलाहार वगैरह, तो उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी हम बस साफ सफाई करके बस मुझे सोना है, नींद बहुत तेज़ लग रही है, व्रत होता है ना तो उस दिन नींद लगती ही लगती है, तो बस अभी सोना है। और मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है सच में, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। मंदिर ना पड़ोस में, तो वहाँ पे बन रही है भांग की चटनी, तो यहाँ पे सारे बच्चे बताए भांग की चटनी यहाँ पीस वगैरह रहे हैं, और मैं तो पहली बार मतलब पी भी नहीं है, मतलब ना ही कभी देखा है कि कैसे बनती है, तो यहाँ पे सब बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे मुझे भांग की चटनी बना रहे हैं, मतलब लस्सी वगैरह क्या बना रहे हैं मुझे खुद भी नहीं पता। और ये सब लोग यहाँ पे पियेंगे, मतलब मड़ी में जितने भी लोग हैं सब, हमारे मोहल्ले में वो सब लोग पियेंगे। अभी देखना ये लोग बना रहे हैं, ये देखो देख के हमने जो दिखाते हैं ये मखाने, और ये सारे बच्चे पीस रहे हैं भांग। यहाँ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कितनी पीस ले दिखाओ तो, बस इतना ही पीस है, और ये दिखाओ ये कैसी है, ये क्या है, इसमें भिगोया था पत्ती, अच्छा अच्छा तुम सब लोग पियोगे, तुम लोग मत पीना ठीक है। शाम के बज रहे 6:30, और जो है फलाहार बनाएंगे अभी, मैं फलाहार बनाऊंगी, मैंने आलू रख दिए उबलने के लिए, और पूजा भी नहीं की है, मेरे हस्बैंड मार्केट गए हैं, अभी वो आएंगे तो हम लोग पूजा करेंगे, और फलाहार में मैं बनाऊंगी आलू। वैसे तो पता है मम्मी नमकीन आलू बनेंगे है मम्मी, हाँ सीधे नमक के आलू बनाएंगे, अन्य नहीं खाएंगे, खाली आलू दही के साथ खाएंगे। तो अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ पूजा, ये अभी वो आए नहीं है, इसलिए मैं अभी थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ पूजा की, दिया वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद पूजा जा करके फलाहार बनाऊंगी, फिर आप लोगों से बात करती हूँ।
फलाहार, और फलाहार मतलब नमकीन बनाएंगे, मीठा मतलब खा के हम रह नहीं पाएंगे इसलिए नमकीन बनाएंगे इसलिए बनाएंगे नमकीन, क्योंकि सुबह हमें उठना है तो अभी मैं इसमें डालूंगी जीरा, इसमें डालूंगी जीरा, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कुछ ज्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से खाई डालेंगे जीरा, धनिया डाल लेती हूं, जीरे के साथ अजीब ना लगे तो फिर तुम सोच लो। भांग की क्या है ये, भांग का शरबत, भांग का शरबत आया मेरे लिए, हमारे मोहल्ले में बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो यह मैं फर्स्ट टाइम पीऊंगी, और मुझे पता नहीं है पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। क्या चलो भैया अभी थोड़ी देर में मैं भांग पीऊंगी, पहले हम कर लेते पूजा फिर करेंगे भम भम भोले। पहली बार पी रही हूँ भांग कहते हैं भांग पी के मम्मी कह रही है हंसते बहुत हैं, तो मैं तो एक ही बार पिया मैं हंसने लग गई अभी से मैं हंसूंगी तो फिर क्या करूंगी मेरे मुंह में कपड़ा डाल देना और आज इन्होंने भी पी ली थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसके वहां गए थे तो वो ये पीकर ही आ गए थे वहां से, अब मेरे को भी देखो मिल गई यहाँ पे भांग। दिखा दो दही, दिखा दीदी बैठो। अभी हम लोग करेंगे फलाहार, तो अभी हम लोग फलाहार कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।